अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बड़ा और मंगोली, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। एक इलाका ऐसा है जहां हम बार बार कह रहे हैं कि इंसानी जिंदगानी महफूज नहीं। एमपी के सागर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोरी इलाके में, जहां एक बार फिर गोली चलने की अफवाह फैल गई, लेकिन इस बार गोली नहीं बल्कि बम से युवक घायल हुआ है। यह बम आर्मी फायरिंग रेंज से किसान के किसी खेत में आ गिरा था, जिस पर एक युवक के पैर के नीचे आ जाने से यह जोरदार धमाका हुआ, जिसमें युवक गंभीर घायल हो गया। घायल युवक का नाम अविनाश गौण बताया गया है, जहां उसको गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां हालांकि वो खतरे से बाहर है। उसका नाम है अविनाश सिंह गौण, हम ग्राम बमोरी बीका के हैं। वो बम इसी देखने गया था, तो अचानक वहां पर बम छोटा सा उसको स्पोर्ट मोटर डरा था, तो अचानक उसकी लात पड़ गई, समय फट गया है, उसको जान में लग गई है। आपका नाम क्या? हमारा नाम है सौरभ सिंह। आर्मी फायरिंग रेंज से बीते दिन जो गोली निकली थी, उसमें 10 साल के मासूम की छाती में गोली लगी थी। आज उसी फायरिंग रेंज से निकला बम एक खेत में जा गिरा, जिसमें एक युवक बाल बाल बच गया। आए दिन बमोरी, बन्नान, तालचिरी, पतरिया जाट के खेतों में आर्मी फायरिंग रेंज से निकले खतरनाक बम मिल जाते हैं और इंसानी जिंदगी आफत में रहती है। क्या इस इलाके के लोग सिर्फ गोली खाने या फिर बम के शिकार होते रहेंगे? क्या जिला प्रशासन और आर्मी इस बारे में कुछ नहीं सोचेगा? क्या इन्हीं घायलों का सिर्फ इलाज होता रहेगा, कोई एक्शन नहीं होगा? जवाब आखिर कौन देगा? एक बात सभी सुन लें, देश में किसी भी नागरिक की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। We'll be right back.